हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही सेंसिटिव है हर पुरुष के लिए। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जो बचपन है वो सिर्फ औरतों से कनेक्टेड है, लेकिन जी नहीं, बचपन जो है वो मेल्स को भी हो सकता है। उनकी कुछ गलत आदतों की वजह से, कुछ गलत रहन सहन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से उनमें भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो बचपन है वो मेल बचपन होता है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये एक्चुअल रीज़न है कि बहुत सारे घरों में फीमेल बिल्कुल फिट होती है और मेल में वो प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से घर में बेबी नहीं आ पाता है। और इस वजह से सभी लोग जो है वो फीमेल को ही इसका कसूरवार मानते हैं। आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि पुरुषों की ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से उनको बचपन का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर कि आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, ताकि आपको आपके क्वेश्चन का सही आंसर मिल पाए और आपको ज़्यादा जगह भटकना भी ना पड़े। तो चलिए फाइनली वीडियो शुरू करते हैं। पुरुषों में सबसे पहला रीज़न होता है बचपन होने का, वो है कि उनके अंदर कैफीन की मात्रा बहुत होती है। अब हर पुरुष, ज़्यादातर पुरुषों में ये आदत होती है, वो चाय कॉफ़ी लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सिगरेट शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा कोई तंबाकू गुटखा खाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी पे प्रॉब्लम होती है। रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों में ये सारी आदतें होती हैं उनका 33% जो फर्टिलिटी है, बॉडी की फर्टिलिटी सिस्टम है, वो लो हो जाता है और उनमें भी बचपन की आने की शिकायत होती है। तो ऐसे लोगों को ना अपने इन जो भी ये चीज़ें हैं, आप ड्रिंक करते हो, आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, निकोटीन आपके अंदर जा रही है, आपके अंदर बहुत सारा धुआं भर रहा है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो आपको इसके लिए बहुत ही सीरियसली सोचना पड़ेगा और आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आगे सब कुछ सही रहे तो प्लीज़ इसको आप जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए, आपके लिए ही अच्छा है। तो है पुरुषों का जंक फूड खाना। वैसे तो जंक फूड सभी को पसंद है, क्या मेल क्या फीमेल, सभी को पसंद है। पर मेल की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, अदर सिटी में रहते हैं, तो ज़्यादातर वो बाहर रहते हैं। अब वो खाना जो है होम कुक फूड जो होता है वो उनको नसीब नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जंक फूड पे जाते हैं। जंक फूड थोड़ा सस्ता भी होता है और पेट भी भर जाता है, तो लोग पेट भरने के लिए जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं। और जंक फूड सभी को पता है कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन शायद ये कम लोगों को पता होगा कि जंक फूड की वजह से आपकी फर्टिलिटी भी वीक पड़ सकती है। तो आपको जंक फूड से जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। खाए में मना नहीं करती हूँ, लेकिन लिमिट में खाए, और वीकली एक दो बार खा लिए तो ठीक है, लेकिन हमेशा जंक फूड के एडिक्ट नहीं होना चाहिए। वो है नॉन ऑर्गेनिक फूड। अभी क्या है, हम लोग जब जिस जनरेशन में जी रहे ना, यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनिक मिलना मुश्किल है। आई नो, मैं भी ऑर्गेनिक चीज़ें पूरी नहीं खा पा रही हूँ, पर क्या है ना कि ये जो नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें होती है वो भी हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की फर्टिलिटी पे असर करती है। खासकर जो सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसमें बहुत तरह के केमिकल डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में जाती है और हमारी फर्टिलिटी पे प्रॉब्लम करती है। तो ये सिर्फ मेल का नहीं, फीमेल की भी फर्टिलिटी पे प्रॉब्लम होती है। तो जितना पॉसिबल हो सके आप ऑर्गेनिक चीज़ों पर जाएँ। ऑर्गेनिक चीज़ों में क्या होता है ना कि केमिकल नहीं होता है, अगर केमिकल नहीं होगा तो आपकी बॉडी पर उसका नेगेटिव असर भी नहीं होगा। तो जितना हो सके आप ऑर्गेनिक चीज़ों पे जाए, कोशिश जरूर कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप ऑर्गेनिक चीज़ों का ही यूज। नंबर 4, बहुत लोगों को शुगर वाली ड्रिंक बहुत पसंद होती है, यानी कि चीनी। तो चीनी लोग चाय में पीते हैं, कॉफ़ी में भर भर के पीते हैं, शुगर वाले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शुगर वाली हर चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम होगी और शुगर की प्रॉब्लम तो होनी ही है। तो आपको करना क्या है कि आप जितना हो सके नॉन शुगर वाली चीज़ें खाइए, मतलब शुगर फ्री चीज़ें खाइए, जिसमें शुगर ना हो, भी तो कम हो, लिमिट मात्रा में हो, जिससे आपकी बॉडी पर उसका कोई नेगेटिव असर ना पड़े। अगर फिर भी आपको लगता है कि शुगर के बिना नहीं रह सकते तो उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढो। आप शहद ले सकते हो, आप शक्कर, गुड़ की शक्कर ले सकते हो, लेकिन वो भी लिमिट में, वो भी ज़्यादा नहीं, वो भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन लिमिट में आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो जितना हो सके आप नॉन शुगर वाली चीज़ें खाइए और जितना हो सके अपनी बॉडी या ना अपनी फर्टिलिटी सिस्टम को
डाउन होने से बचाए। इसपे है डेयरी प्रोडक्ट जो जिसका जिसमें बहुत सारा फैट होता है, तो जो फैट वाले प्रोडक्ट होते हैं ना वो भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होते, उससे भी हमारी फैट की तो प्रॉब्लम होती ही है, और दूसरी बात वो हमारे फर्टिलिटी को डाउन करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो जितना हो सके आपको फैट वाली चीजों से, डेयरी प्रोडक्ट से आपको अपने आप को बचा के रखना है। आप टोन मिल्क ले सकते हैं, मतलब वो चीजें ले सकते हैं जिसमें फैट ना हो। आप सोया मिल्क ले सकते हैं, वो भी काफी अच्छी होती है। तो आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से इसके बारे में बात कर सकते हैं कि आपकी बॉडी को कौन सा मिल्क चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए, क्या कितना लेना है, ये आप अपने डॉक्टर से पूछ के उस हिसाब से कंज्यूम कीजिए। नंबर 6 जो सबसे जरूरी चीज होती है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रोसेस्ड मीट खाना बहुत पसंद है। चलो नॉनवेज होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ना प्रोसेस्ड मीट खाते हैं। प्रोसेस्ड मीट यानी कि आप बर्गर खाते हो, आप मार्केट वाली जो चीज़ें होती है KFC टाइप, तो वो सब चीज़ें खाती हो जो प्रोसेस्ड होती है, वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। प्रोसेस्ड चीज़ तो खानी ही नहीं चाहिए। अगर आप खा भी रहे हो तो ताज़ी चीज़ें जो सामने आपको काट के देते हैं ना वो खाइए। प्रोसेस्ड किया हुआ मीट जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप स्वाद के चक्कर में बॉडी को ख़राब कर रहे हो, और वो ऐसा नहीं है कि चलो मुंह को अच्छा लग रहा है तो बॉडी को भी वो फायदा करेगा। जी नहीं, वो फायदा नहीं करता है, वो आपका नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है। और ये 100% आपकी जो, और ये रिसर्च में पाया गया है कि जो प्रोसेस्ड मीट होता है या रेड मीट भी जो ज़्यादा खाते हैं, वो रिसर्च में पाया गया है कि वो 33% आपकी फर्टिलिटी को वो डाउन करता है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको प्रोसेस्ड मीट नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है, छोड़ देना है। और जितना हो सके आप हरी सब्जियां खाएं, आप स्प्राउट्स खाएं, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ ना, ककड़ी खाओ, ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ। मीट भी खाना है तो ताज़ी खाओ, मना नहीं कर रही हूँ, ताज़ी खाओ, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है और आपकी फर्टिलिटी के लिए भी अच्छा होता है। तो आप लिमिट में खाइए और अच्छी चीज़ें खाइए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी, आपकी फर्टिलिटी पे भी असर नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिली होगी, एक नई जानकारी मिली होगी। और अगर थोड़ी सी भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।